वेलकम टू फाइनल क्लासेस। हम लोग देख रहे हैं पॉलिटेक्निक के तैयारी के लिए या नाइन्थ क्लास का सिलेबस से जो बल चैप्टर है चौथा फिजिक्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले तो ये नाइन्थ के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करेगा। उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट होंगे, इसके जो शब्दावली होंगे, कीवर्ड होंगे, वो सारे आपके पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है कि बल की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए और बल के क्या प्रभाव हैं ये बताइए। तो बल के बारे में हम क्या कहते हैं कि किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है और उसी प्रभाव को हम बल कहते हैं। यानी बिना बल के किसी वस्तु में गति उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अतः बल वह धक्का या खिंचाव है या बाह्य कारक है जो वस्तु को विरामावस्था या गतिशील अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल लगाने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के बीच होती है, एक वस्तु जो बल लगाती है और दूसरी वस्तु जिस पर बल लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखें, यदि एक व्यक्ति ट्रक को धकेलकर गति में लाना चाहे तो वह व्यक्ति असफल रहता है, जबकि उसमें भी उस व्यक्ति ने बल का प्रयोग किया। अतः ट्रक की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों को मिलकर ट्रक पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। स्पष्ट है कि बल एवं गति में परस्पर गहरा संबंध है। चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात चुंबक लोहे की वस्तु पर बल लगाता है। किसी भारी मेज को आगे की ओर खिसकाने के लिए अपने मांसपेशियों पर तनाव डालकर मेज को आगे की ओर धकेलते हैं। तो यही कहा जाएगा कि हम मेज पर बल लगाते हैं। वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या इसी को हम न्यूटन कहते हैं। बल एक सदिश राशि है और इसे हम एफ से सूचित करते हैं। बल के प्रभाव की अगर बात करें तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर दो निम्न प्रभाव उत्पन्न होंगे। पहला, बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे प्लास्टिक की मुलायम गेंद को हाथ से दबाने पर उसका आकार बदल जाता है। बल लगाने पर किसी गतिशील वस्तु के चाल में परिवर्तन हो सकता है। बल रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है अथवा गतिशील वस्तु को रोक सकता है। आगे, बल वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित कर सकता है। जैसे हॉकी के खेल में खिलाड़ी अपना स्टिक द्वारा बल लगाकर गेंद को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। आगे है दोस्तों, बल के प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो बलों के प्रकार दो प्रकार के मूल रूप से हैं। पहला, संतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ लगा रहे और उसका परिणामी बल शून्य हो, मतलब उससे कोई परिणाम उत्पन्न ना हो, तो वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वस्तु पर लगे बल को संतुलित बल कहते हैं। जैसे रबर की गेंद को दोनों हथेलियों के बीच रखकर बराबर एवं विपरीत बल लगाकर दबाने पर गेंद का रूप बदल जाएगा, अर्थात गेंद गोल न रहकर कुछ चपटी हो जाएगा। ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल, किसी वस्तु पर दो या अधिक बल इस प्रकार लगाते हैं कि वस्तु की स्थिति, गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है। तो वस्तु पर लगने वाले इस बल को असंतुलित बल कहते हैं। स्पष्ट है कि वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता। जैसे रस्साकसी के खेल में एक टीम दूसरे से शक्तिशाली होती है तो वह रस्से को दुर्बल टीम की ओर को अपनी ओर खींच लेती है और इस अवस्था में लगे बल को असंतुलित बल कहते हैं। यानी असंतुलित बल का परिणाम शून्य नहीं होता और संतुलित बल का परिणाम शून्य होता है।
आगे है दोस्तों संतुलित एवं असंतुलित बल में अंतर। अगर संतुलित बल के बारे में कहें तो संतुलित बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील नहीं कर सकता, वहीं असंतुलित बल विरामावस्था की वस्तु को गतिशील कर देता है। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल एक साथ लगते हैं तो इसका परिणामी बल शून्य होता है, परंतु जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल एक साथ कार्य करते हैं तो परिणामी बल शून्य नहीं होता है। संतुलित बल गतिशील वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते, वहीं असंतुलित बल गतिशील वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन कर सकता है। संतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देते हैं, वहीं असंतुलित बल वस्तु के आकार में परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे है दोस्तों न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब रुकी हुई अवस्था में हो तो यह विराम अवस्था में बनी रहेगी, यदि कोई गतिशील अवस्था में हो तो वह गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, इसका वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहलाता है। इसे गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है और यह प्रवृत्ति ही जड़त्व कहलाती है, यानी अपने पूर्व की स्थिति में बने रहना क्या कहलाता है, ये जड़त्व कहलाता है। आगे है दोस्तों चलती गाड़ी से उतरते समय यात्री को उतरकर गाड़ी के साथ थोड़ी दूर तक दौड़ना पड़ता है क्योंकि वो गाड़ी के साथ गतिशील अवस्था में रहता है, अगर वो अचानक विराम अवस्था में आएगा तो वो आगे की ओर गिर जाएगा। मेज पर रखी हुई कोई पुस्तक तब तक उसी अवस्था में स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। किसी गेंद को जमीन पर लुढ़काने पर वह कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यदि यह घर्षण बल ना हो तो गेंद उसी गति से बिना रुके चलती रहेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को स्पष्टीकरण देते हुए किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके द्रव्यमान तथा बल के कारण उत्पन्न त्वरण में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले जानते हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है। तो किसी वस्तु का बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F समानुपाती होता है एम ए के। एम जहां द्रव्यमान, F बल और A त्वरण है, इसको कांस्टेंट के तौर पे F बराबर के एम ए लिख सकते हैं जहाँ के एक नियतांक है। यदि हम बल F के मात्रक इस प्रकार चुने कि एकांक बल एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर सके तब समीकरण में F बराबर 1, M बराबर 1 और A बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 1 बराबर K गुने O1 गुने O1 अर्थात K बराबर O1। समीकरण से F बराबर MA प्राप्त हुआ जहां अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर MA बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ये आपका द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल के लिए व्यंजक की मतलब सूत्र की प्राप्ति है। यह न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है जहां F बराबर 0 और अगर A बराबर 0 यानी त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ है तो बल नहीं लगा है ऐसा माना जाता है। यदि वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण की उत्पत्ति नहीं होगी। न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम का ही रूप है। बल का मात्रक न्यूटन है। एक न्यूटन बल उस बल के बराबर होता है जो एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसमें त्वरण उत्पन्न कर देता है, अर्थात एक न्यूटन बराबर एक किलोग्राम गुने एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थात एक न्यूटन बराबर एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसका गणितीय सूत्र भी लिखिए। तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में
प्रतिक्रिया होती है, अर्थात यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी परिणाम में उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। इस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। माना कि ए और बी दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित कर रही है, तब इस नियम के अनुसार पिंड ए पिंड द्वारा बी पिंड पर आरोपित बल बराबर होगा बी पिंड द्वारा ए पिंड पर आरोपित बल, अर्थात एफ ए बी बराबर एफ बी ए, जहाँ पे अगर इसको माइनस कर दें मतलब विपरीत हो जाएगा, चिन्ह केवल दिशा केवल पलट जाएगा, बाकी बल का परिणाम वही रहेगा। जब कोई गेंद बल्ले से टकराती है तो बल्ला गेंद पर एफ वन लगाता है तो गेंद बल्ले पर एफ टू लगाती है, तो ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बल परिणाम में बराबर होंगे परंतु दिशा में विपरीत होंगे, अर्थात एफ वन बराबर होगा माइनस एफ टू। आगे दोस्तों, न्यूटन के गति के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करने वाले कुछ उदाहरण पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले क्रिया प्रतिक्रिया नियम को ठीक से समझते हैं। प्रत्येक क्रिया के लिए उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी परिणाम में उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे घोड़े का गाड़ी खींचना, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से भूमि को पीछे की ओर दबाता है, इससे प्रतिक्रिया के रूप में भूमि घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। दूसरा है मनुष्य द्वारा भूमि पर चलना। तो जब हम भूमि पर चलते हैं तो हम पैर से भूमि को पीछे धकेलते हैं, जो क्रिया है बल है, और इसके परिणाम स्वरूप एक प्रतिक्रिया बल भूमि द्वारा हमारे पैरों पर लगता है जिसे हम आगे की ओर चल पाते हैं। बंदूक से गोली दागने पर, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो उसमें उपस्थित बारूद की तुरंत गैस बन जाती है जो कि फैलकर गोली को तेजी से बाहर की ओर धकेल देती है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे गोली चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है। तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। अतः स्पष्ट है कि तैराक जितनी तेज़ी से पानी को पीछे की ओर धकेलेगा उतना ही तेज़ी से वह तैरेगा। रॉकेट की गति, रॉकेट में आंतरिक दहन द्वारा ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर अधिक मात्रा में उत्पन्न गैस को जेट से निकाली जाती है, अत्यधिक वेग से बाहर निकाला जाता है, गैस द्वारा आरोपित बल के विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया बल रॉकेट पर लगता है जो उसे ऊपर की ओर बढ़ाता है। आगे जड़त्व किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह समान वेग की दिशा में चल रही है तो वह उस वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को कि वे स्वयं अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है और जड़त्व का अर्थ परिवर्तन न होना होता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। ये पूछा जाता है कि जड़त्व की माप कौन है, तो वस्तु का द्रव्यमान। उदाहरण के लिए माना समान आकार की तथा भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएँ जैसे एक क्रिकेट के गेंद एक पत्थर, दोनों में पूरी शक्ति से ठोकर मारने पर गेंद गतिशील होकर बहुत दूर चली जाएगी जबकि पत्थर थोड़ी दूर पर ही लुढ़क कर रुक जाता है।
जड़त्व निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिर अवस्था को बदल नहीं दिया जाता। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। आगे दोस्तों गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह उस समय तक उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन न कर दे। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। आगे दोस्तों वस्तुओं में जड़त्व के 6 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है वस्तुओं में जड़त्व के उदाहरण, बोतल पर रखी गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखी गेंद बोतल में गिर जाता, या सिक्का वाला भी ये प्रयोग आप किए होंगे। एक कांच की बोतल पर एक गत्ता मतलब कूट रखते हैं जिस पर एक गेंद रखी गई है, जब गत्ते को अचानक अंगुली से टकराकर हटा देते हैं तो गेंद बोतल में गिर जाती है, क्योंकि प्रारंभ में गत्ता जो था कूट था और गेंद दोनों विरामावस्था में था। अंगुली से टकराने पर गत्ते में गति उत्पन्न हो जाती है जबकि जड़त्व के कारण गेंद उसी स्थान पर ठहरी रहती है, अतः गत्ता हटकर आगे बढ़ जाता है और गेंद बोतल में नीचे गिर जाता है। आगे दोस्तों खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर शीशे में एक गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर का एक टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा मारने पर शीशे चटक जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो जिस स्थान पर गोली लगती है उस स्थान के शीशे में तेजी से गति होती है हो जाती है, परंतु शीशे का शेष भाग जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहता है। जब तक कि वह भाग गतिशील हो तब तक गोली आर पार निकल चुकी होती है, अतः गोली लगने के स्थान पर छेद हो जाता है, परंतु पत्थर का वेग कम हो जाता है अतः उसके शीशे को पार निकलने से पहले शेष शीशा की वेग ले लेता है, इससे वह चटक जाता है, चकनाचूर हो जाता है। आगे दोस्तों कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं, क्यों? तो इसके पीछे है कि डंडे से पीटने पर कंबल तो गतिशील हो जाता है परंतु धूल के कण जड़त्व के कारण वहीं ठहरे रहते हैं, अतः कण कंबल से अलग हो जाता है तथा नीचे गिर पड़ता है। यही कारण है कि पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। आगे दोस्तों हथौड़े को हत्थे में किसने कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटका जाता है, जब हथौड़े के हत्थे को नीचे की ओर करके पृथ्वी पर पटकते हैं ने के लिए तीव्र वेग से लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्था दोनों गतिशील अवस्था में होते हैं। हत्थे का सिरा पृथ्वी पर लगते ही विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु हथौड़ा जब भी जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहता है जिससे वह नीचे आकर हत्थे में और कस जाता है। आगे दोस्तों ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? तो यात्री के शरीर का निचला भाग गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के चलने पर तुरंत ही चल पड़ता है, परंतु ऊपरी भाग जड़त्व के कारण वहीं ठहरा रहता है इसलिए पीछे रह जाता है। इसी प्रकार चलती हुई गाड़ी पर चढ़ने वाले यात्री के पैर गाड़ी पर चढ़ते ही गतिशील हो जाता है परंतु शरीर अपनी विरामावस्था में रहता है जिसके कारण यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, अतः चलती गाड़ी पर चढ़ने से पहले कुछ दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए। आगे दोस्तों चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो मोटर कार के रुकने पर उसका फर्श तथा उस पर टिके यात्रियों के पैर तुरंत ठहर जाते हैं, परंतु शरीर का शेष भाग जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील रहता है इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जब अचानक रुक जाता है तो उस पर ढीला ढाला बैठा हुआ सवार आगे की ओर गिर जाता है। इस प्रकार जब कोई यात्री जल्दी से गाड़ी से उतरता है तो वह आगे की ओर गिर जाता है, उसके पैर पृथ्वी को छूते ही विरामावस्था में आ जाता है, परंतु
शरीर का ऊपरी भाग उसी वेग से चलते रहने का प्रतिनिधित्व करता है, अतः वह गाड़ी के चलने की दिशा में ही गिर पड़ता है। इसीलिए चलती गाड़ी से उतरने पर थोड़ी दूर गाड़ी के साथ दौड़ना चाहिए। ऐसा करके यात्री अपनी मांसपेशियों द्वारा उपयुक्त बल लगाकर पूरे शरीर को एक साथ रोक लेता है। आगे है दोस्तों, संवेग को परिभाषा लिखिए तथा संवेग में परिवर्तन और आरोपित बल में संबंध ज्ञात करें। कहते हैं कि किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इसे पी से सूचित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। वस्तु का द्रव्यमान अगर m और वेग v हो तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग अर्थात वेक्टर p बराबर m गुने वेक्टर v अर्थात p बराबर m v। संवेग का मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक गुने वेग का मात्रक अर्थात किलोग्राम गुने मीटर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर सेकेंड। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है, इसे न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं। सीजीएस प्रणाली में संवेग का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है और इसे हम डाइन सेकेंड भी लिख सकते हैं। संवेग परिवर्तन और बल में संबंध, यदि m द्रव्यमान वाली किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग U है और बाह्य बल F और लगाने पर डेल्टी समय के अंतराल के बाद उसका वेग भी हो जाता है, तो चित्रानुसार आप देख रहे होंगे कि पहले वाले का U और दूसरे वाले दूसरे स्थिति में भी है, तो इसका डेल्टी टू मतलब टी वन समय में ये T2 समय तक गया तो U से भी इसका वेग हो गया ये त्वरण से, तो इसका क्या हो जाएगा वस्तु का प्रारंभिक वेग P1 बराबर MV1 भी और समय अंतराल, ये आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल है आप आसानी से यहाँ, तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा डेल पी बटा डेल टी मतलब संवेग में परिवर्तन बटा समय बराबर एम ए, और इसी को हम बल के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। जहाँ ए बराबर एम ए होता है अर्थात संवेग बटा समय अंतराल ये बल को निरूपित करेगा, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण वाले सूत्र से हम यहाँ निकाल सकते हैं। यानी बल को हम ये भी कह सकते हैं, बल के परिभाषा में संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। आगे दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम को समझाइए। संवेग संरक्षण का नियम, यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर एक बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। माना M1 और M2 द्रव्यमानों के दो पिंड एक चिकने क्षैतिज तल पर क्रमशः U1 और U2 वेगों से चल रहे हैं, तो इसके संवेग क्रमशः P1 बराबर M1V1 तथा P2 बराबर M2V2 होगा। माना कि पिंड परस्पर टक्कर करके के एक दूसरे से अलग हो जाता है और टकराने के बाद पिंडों का वो यू था शायद V1 और V2 हो जाता है, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हमें जो मिलेगा वो मिलेगा टक्कर के पूर्व का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर के पश्चात कुल संवेग। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड जितना संवेग परिवर्तन होगा दूसरे में उतना ही विपरीत परिवर्तन संवेग परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार दोनों पिंड का संयुक्त संवेग का मान हमेशा समान रहेगा। उदाहरण के लिए जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक गोली को बड़े वेग से आगे की ओर धकेलता है फेंकता है, इससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे कि बंदूक के पीछे की दिशा में उतना ही संवेग उत्पन्न हो जाता है तथा वह पीछे की ओर हटती है। बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से कहीं अधिक है, अतः बंदूक के पीछे हटने का वेग गोली के बढ़ने के वेग की अपेक्षा बहुत कम होता है। बंदूक छोड़ने वाला बंदूक को कंधे से दबाकर रखता है ताकि बंदूक व शरीर एक हो जाए, इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को भारी धक्का नहीं लगता है। आगे दोस्तों बल का आवेग से आप क्या समझते हैं, आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध बताएं। तो जब कोई बड़ा बल
किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। याद रखें, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। अथवा जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समयांतराल डेल टी के लिए लगता है तो एफ और समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसका मतलब है बल एवं संवेग में संबंध आवेग द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जहां बल गुणे समयांतराल बराबर संवेग परिवर्तन। तो बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन बराबर बल गुणे समयांतराल। आवेग एक सदिश राशि है, याद रखें आवेग एक सदिश राशि है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आवेग का संवेग परिवर्तन से संबंध, तो आवेग को परिभाषा से हम लिख सकते हैं आवेग बराबर एफ इंटू डेल टी, परंतु न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम एफ बराबर एम ए जानते हैं, अर्थात आवेग बराबर हो गया एम ए डेल टी, अर्थात एम में डेल वी बटा डेल टी, चूँकि ए बट गुने डेल टी, डेल टी से डेल टी कट गया तो एम गुने डेल वी, अर्थात एम इंटू वी माइनस यू बराबर एम वी माइनस एम यू, अर्थात आवेग बराबर हो गया अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अर्थात संवेग परिवर्तन, यानी आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। आगे फिर से कुछ लघु उत्तरीय हैं। बल क्या है? तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु के विरामावस्था एवं गतिशील अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयत्न करता है, या गतिशील वस्तु की गति, उसकी दिशा तथा वस्तु की आकृति को परिवर्तित करता है। अतः किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, और बल एक सदिश राशि है। बल F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर एम ए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का माप एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। बल के दो प्रभाव, तो बल के प्रभाव, पहला बल द्वारा वस्तु के आकार और रूप परिवर्तन किया जा सकता है। बल द्वारा गतिशील और विरामावस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। बल वस्तु की गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। आगे दोस्तों, जड़त्व एवं द्रव्यमान का आपस में संबंध। तो किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। उदाहरण के लिए माना समान आकार के भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएँ, जैसे एक क्रिकेट का गेंद और एक पत्थर, दोनों पूरी शक्ति से ठोकर मारने पर गेंद गतिशील होकर बहुत दूर चली जाएगी, जबकि पत्थर थोड़ी दूर लुढ़ककर रुक जाएगी। आगे दोस्तों, जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करती है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह उसी दिशा में चलती रहे रुकी रहेगी, और अगर गति की अवस्था में तो उसी दिशा में चलती रहेगी। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को कि वे स्वयं अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व ही भी उतना ही अधिक होगा, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। आगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस पहले ही आ चुके हैं कि किसी चलती गाड़ी से उतरने पर यात्री गिर पड़ते हैं क्यों? बंदूक की गोली शीशे में गोल छिद्र कर देती है जबकि पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है क्यों? गैलीलियो का जड़त्व नियम क्या है? उसके बाद एक डाइन से आप क्या समझते हैं? तो एक डाइन क्या है? सीजेस पत्ती में है, अर्थात एक डाइन बराबर एक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए, तो न्यूटन बल एम के एस या एसआई प्रणाली का मात्रक है। एक न्यूटन वह बल है जब एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो? त्वरण उत्पन्न हो जाए। संवेग किसे कहते हैं? और संवेग का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? ठीक है, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। समान चाल से गतिशील करते हुए क्रिकेट का गेंद और टेनिस के गेंद में टेनिस की गेंद को रोकना आसान है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्रिकेट के गेंद का द्रव्यमान टेनिस के गेंद के द्रव्यमान की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए टेनिस का गेंद रोकना आसान है और क्रिकेट का गेंद रोकना मुश्किल। किसी कालीन को
छर से पीटते समय उसमें से काफ़ी धूल निकलती है, क्यों? ये हम लोग पहले ही कंबल को पीट चुके हैं। बल का आवेग किसे कहते हैं? तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आगे दोस्तों न्यूटन के गति का द्वितीय नियम समझाइए, हम लोग ये देख चुके हैं ए बराबर एम में। उसके बाद है कुछ ग्राफ हैं जहाँ पे संतुलित और असंतुलित बल को दिखाना है, एक तरफ वेग है दूसरी तरफ समय है। तो आप अगर उसके बाद है क्रिया और प्रतिक्रिया बल, इसके भी एग्जांपल्स हम लोग ले चुके हैं। संवेग संरक्षण के नियम, ये हम लोग जानते हैं कि टक्कर के पूर्व का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। और उसके बाद है कुछ आंकिक प्रश्न, तो आंकिक प्रश्न आपका लाइव क्लास में होगा। गुड लक, फिर मिलेंगे इस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल या टेंथ क्लास के किसी भी साइंस वाले कॉमन इंट्रेंस एग्जाम के तैयार।